हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शांत तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जूम ऐप के बारे में। जूम ऐप आपके लिए सेफ है कि नहीं, आपको इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये आपकी डेटा को लीक करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यूजफुल है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में अभी लॉकडाउन है। तो दोस्तों, इसके कारण हो क्या रहा है कि जितने भी मीटिंग्स है या पढ़ाई है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब घर पे ही हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए अभी एक जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है जूम ऐप, आप सभी लोगों ने इस जूम ऐप के बारे में अभी इधर भी सुना होगा। तो ये जो जूम ऐप है बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो रही है अभी इस टाइम में, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। तो यहाँ पर दोस्तों, इस एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वीडियो कॉलिंग के लिए, पढ़ाई के लिए, मीटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो खासियत है, क्यों इसको यूज़ किया जा रहा है, तो इसका जो प्लस पॉइंट है दोस्तों, यूनिक फीचर है, वो ये है कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन में 100 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कोई भी मीटिंग या पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के लिए घर बैठे बैठे पढ़ने के लिए एंड मीटिंग करने के लिए ये जूम ऐप का यूज़ हो रहा है। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो जूम ऐप है वो आपकी डेटा को लीक कर रहा है? क्या आपकी डिटेल ये हैक कर रहा है? क्या ये आपके ये सिक्योर है कि नहीं? तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा मेन चीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये ऐप है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें प्राइवेसी का प्रॉब्लम है, ये आपकी डिटेल को लीक करता है, आपकी जितने भी डेटा है उसको हैक करता है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो वीडियो कॉलिंग का ऐप है जूम ऐप, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे दोस्तों, ये जो ऐप है इसकी डिटेल एनालाइज की गई है कि बहुत सी मीटिंग्स में, बहुत से वीडियो कॉलिंग में ये वीडियो को मर्ज कर देता है, वीडियो कहीं पे भी कनेक्ट हो जाता है एंड वीडियो बीच में पॉज हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती है ये इसलिए आती है क्योंकि ये आपकी डिटेल्स के हैक करता है एंड ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपकी डिटेल के लिए, प्राइवेसी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम जो आती है वो इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका मेन सर्वर है वो आपकी डिटेल को हैक कर लेता है एंड आपको ये ऐप का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो डिटेल एनालाइज की गई है वो CERT इन के थ्रू की गई है। ये जो एजेंसी है, ये इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये जो एजेंसी है वही ये सब डिटेल एनालाइज की है एंड इसी ने बताया है कि ये जो जूम ऐप है वो प्राइवेसी के हिसाब से सेफ नहीं है, ये आपकी डिटेल को लीक करता है, आपके डेटा को हैक करता है। तो दोस्तों, इसलिए गवर्नमेंट ने भी अब इसको बैन कर दिया है एंड इंडिया में तो यूज़ करने के लिए मना ही कर दिया गया है। एंड दोस्तों, जितने भी टेक की बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, ये सब भी अपने एम्प्लॉयज़ को मना कर दिए हैं कि आपको भी जूम ऐप का यूज़ नहीं करना है। ये जो दोस्तों जूम ऐप है, इसका यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं आपको एक एनालाइज बताता हूँ। पहले दिसंबर 2019 में इसके जो यूज़र थे, एक्टिव यूज़र, वो सिर्फ 1 करोड़ थे। बट दोस्तों, अभी मार्च 2020 में सिर्फ 3 महीने में ही इसके जो यूज़र हैं वो 20 करोड़ हो गए, मतलब 20 गुना बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, ये जो यूज़र इंक्रीज़ हुए हैं ये सिर्फ लॉकडाउन के कारण नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोरोना वायरस कारण जब कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा है तो मीटिंग करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है इसी का सब लोग यूज़ कर रहे हैं। बट दोस्तों, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है एंड अगर आपको मीटिंग करना है, स्टडी करना है घर बैठे बैठे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं और भी इसके अल्टरनेटिव एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप इस पे वीडियो कॉलिंग करते हो या कुछ भी मीटिंग्स करते हो तो वो एज अ फुल रिकॉर्डिंग होके जो इसका मेन सर्वर है उसके पास कलेक्ट हो जाती है। एंड दोस्तों, ये बहुत ही कम रेट पे आगे सेंड होती है, मतलब ये एक तरह से बेची जाती है, आपकी डिटेल बाहर बेची जाती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है हम सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो हम लोग का वीडियो कॉलिंग ऐप है जूम ऐप, यहाँ पे जो आपकी वीडियोस होती है वो एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। तो दोस्तों, ये एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन मतलब आपकी जो वीडियोस है, जिससे भी आप कॉन्टैक्ट किए हो, वो जो वीडियोस है वो डायरेक्ट सेंड होती है, बीच में कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी सरकार या कंपनी उस वीडियो को नहीं वॉच कर पाती है, आपकी जो मीटिंग हुई है वो नहीं देख पाती। बट दोस्तों, एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपकी वीडियोस कोई भी बीच में देख सकता है। तो ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इस ऐप का। तो दोस्तों, ये इसी के कारण इसको बैन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का, यहाँ तक कि जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उस पर भी जो हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं वो भी एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब कि आपके जो वीडियोज़ हैं वो डायरेक्ट सेंड होते हैं, बीच में कोई भी देख नहीं पाता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन ही, ये जो इंस्क्रिप्शन बेस्ड है, वो सबसे बेस्ट वे है हमारे वीडियोज़ को सेव करने के लिए, हमारे जो मीटिंग्स है उसको सेव करने के लिए।
एंड दोस्तों ये जो जूम ऐप है वो वर्किंग पर्पस के लिए, मीटिंग करने के लिए, मतलब जहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में पीपल एक साथ वीडियो वॉच करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो वर्किंग ऐप है इसके साथ साथ अगर आपको इसको नहीं यूज़ करना है, वैसे तो ये बैन ही है, तो इससे अच्छा मैं आपको एडवाइस दूंगा आप गूगल का हैंगआउट यूज़ कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ एक और एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको कोई भी मीटिंग करनी है तो आप इसके हेल्प से कर सकते हो। एंड दोस्तों रही बात अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए इंडिविजुअल वीडियो कॉलिंग करनी है, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप है एंड गूगल का डुओ है। तो दोस्तों ये दो एप्लीकेशन पर्सनल इंडिविजुअल वीडियो कॉलिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। एंड अगर आपको कोई टीम में वर्किंग करनी है, कोई भी मतलब की मीटिंग करनी है, तो उसके लिए ये दो एप्लीकेशन अच्छी है, गूगल का हैंगआउट एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो दोस्तों ये जो जूम ऐप है वो टीम के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। बट अगर आपको पर्सनल वीडियो कॉलिंग करनी है अपने फ्रेंड से या ऐसे ही नॉर्मल बात करनी है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको इसको फिर भी यूज़ करना है तो CERTIN ने यहाँ पे कुछ आपको रूल्स बताए हैं, कुछ आपको गाइडलाइन बताई है जिसके हेल्प से आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो सबसे पहला रूल है कि आपको इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, एंड इसी के साथ साथ जो आपका पासवर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड दोस्तों जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में जो हम लोग का पासवर्ड होता है, हर मीटिंग का एक पासवर्ड होता है, तो वो उस पासवर्ड को भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक बनाना है, जैसे कोई भी वो पासवर्ड ना जान पाए। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ जो हम लोग का स्क्रीन शेयर होता है, एक ऑप्शन आता है जूम एप्लीकेशन में स्क्रीन शेयर करने का कि कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकता है, तो वो उस होस्ट को ही ऑप्शन मिलना चाहिए शेयर स्क्रीन का, सिर्फ होस्ट ही मेन स्क्रीन पर आ पाए और कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर ना कर पाए। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ इसमें आपको जो वेटिंग रूम फीचर होता है उसको भी एनेबल करना है, मतलब कि कोई भी आपके जो मीटिंग में इन्वॉल्व ना हो पाए एंड आपकी डिटेल्स ना ले पाए। तो जो आपको इतनी डिटेल मैंने बताई वो आपको ये गाइडलाइन का यूज़ करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जूम एप्लीकेशन का यूज़ ना ही करो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जैसे कोई भी जूम एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हो आपके फैमिली या फ्रेंड्स, तो उसको भी पता चले कि जूम ऐप उनके लिए सेफ़ नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूजफुल वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।